नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दारू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर इन दिनों खूब चर्चाओं में है, जो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है, वो भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानों को लेकर। अक्सर ये मुद्दा चर्चाओं में आ ही जाता है कि आखिर भारत का बेस्ट कप्तान कौन है, और इस पर बहस होती रहती है। सबकी अपनी अपनी राय होती है, और इसी बीच रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने भी भारत के बेस्ट कप्तान का नाम बेझिझक बता दिया है। आखिर कौन है भारतीय क्रिकेट जगत का बेस्ट कप्तान, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान शोएब अख्तर से सवाल पूछे गए थे कि आप वर्तमान में खेल रहे क्रिकेट के 3 बल्लेबाजों को आउट करना चाहेंगे, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने 3 खिलाड़ियों का नाम लिया था, और बेन स्टोक्स, विराट कोहली, साथ ही बाबर आजम का नाम उन्होंने लिया था, जिन्हें वो अपनी गेंदबाजी से आउट करना चाहते हैं। इसी तरह एक और सवाल शोएब अख्तर से किया गया और पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान का नाम बताइए, जिसमें उन्हें ऑप्शन दिए गए थे सौरभ गांगुली, MS धोनी और विराट कोहली। और इस पर शोएब अख्तर ने अपनी राय बेबाकी से रखी। उन्होंने सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में अपना बेस्ट कप्तान सौरभ गांगुली को चुना। हालांकि सौरभ गांगुली शोएब अख्तर के लिए हमेशा से बेस्ट कप्तान के तौर पर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार शोएब अख्तर ने सौरभ गांगुली को अपना बेस्ट कप्तान चुना है, और उनकी अक्सर तारीफ करते हुए भी दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम को विदेशी सरजमी पर जीतने का आत्मविश्वास सौरभ गांगुली ने अपनी कप्तानी में दिया है, और भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चलिए अब एक नजर तीनों कप्तानों के आंकड़ों पर भी डालते हैं कि किसने कितने मैच खेले हैं और कितनी विनिंग परसेंटेज है किसकी। इस तरह है 3 कप्तानों के आंकड़े। सौरभ गांगुली ने साल 2000 से लेकर साल 2005 तक कप्तानी की, और इस दौरान उन्होंने 49 टेस्ट मैच खेले और एक हुई, तो वही जीत प्रतिशत की अगर बात करें तो 42.85% जो है उनका जीत प्रतिशत रहा। बात करें वनडे फॉर्मेट की, तो वनडे फॉर्मेट में उन्होंने 146 मैच खेले, जिसमें से वो 76 मैच जीते और जीत प्रतिशत रहा 53.52 का। और साथ ही आपको ये बता दें कि T20 फॉर्मेट में उन्होंने कप्तानी नहीं की थी। सौरभ गांगुली ने अपनी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट को एक तरीके से पुनर्जीवित किया है, जब भारतीय टीम मैच फिक्सिंग के आरोप से गुजर रही थी, तब सौरभ गांगुली ने कप्तानी संभाली और दुनिया के सामने भारत को एक अलग पहचान दी। सिर्फ इतना ही नहीं, सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेटर्स में आत्मविश्वास और अग्रेशन का बढ़ावा दिया। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने विदेशों में जीतना सीखा। गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह जैसे युवाओं को मौके दिए, जो बाद में भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे बने। साल 2003 विश्व कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाना सौरभ गांगुली की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने टीम में एकजुटता का माहौल बनाया, जिससे भारतीय क्रिकेट और मजबूत हुआ। दूसरे खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2007 से लेकर साल 2017 तक कप्तानी की। इस दौरान उन्होंने टेस्ट मैच 60 टेस्ट मैच खेले, और जिसमें से उनको जीत मिली 27 मैचों में, और जीत का प्रतिशत रहा टेस्ट मैचों में 45% का। वहीं वनडे की अगर बात करें, तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी करते हुए वनडे में 200 मैच खेले, जिसमें से 110 जीत हासिल हुई और जीत प्रतिशत रहा 55%। बात करें T20 फॉर्मेट में, महेंद्र सिंह धोनी ने 72 मैच खेले, जिसमें से 41 मैचों में उन्हें जीत मिली और जीत प्रतिशत रहा 56.94% का। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत के 3 प्रमुख ICC ट्रॉफी जीती। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। धोनी का शांत स्वभाव और उनकी रणनीति ने भारतीय टीम को एक नया और बड़ा मुकाम दिलाया। यही वजह है कि उन्हें भारत के सबसे सफल कप्तान के रूप में देखा जाता है। तीसरे खिलाड़ी हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने साल 2017 से लेकर साल 2022 तक कप्तानी की। विराट कोहली ने कप्तानी करते हुए टेस्ट फॉर्मेट में 68 मैच खेले, जिसमें से उन्हें 40 में जीत मिली, तो वहीं जीत प्रतिशत 58.82% का रहा। बात करें वनडे फॉर्मेट की, तो वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली ने कप्तानी करते हुए 95 मैच खेले और जीत मिली 65 मैचों में, जीत प्रतिशत रहा 70%। T20 फॉर्मेट में वही विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 50 मैच खेले और जीत मिली 30 मैचों में, और जीत प्रतिशत रहा 64%।
भारतीय स्टार विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफी तो नहीं जीती, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेशों में अग्रेसर और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना और जीतना सीखा। विराट कोहली ने फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और फिटनेस की एक अलग परिभाषा भारतीय टीम को दी। उनके नेतृत्व में भारत ने टेस्ट फॉर्मेट में कई नई ऊंचाइयां छू। साल 2019 में लंबे समय तक भारत ने नंबर वन रैंकिंग बरकरार रखी। कोहली ने सीमित ओवरों में भी टीम को मजबूती दी। तो ये रहे विराट कोहली, सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी के आंकड़े, जो बताता है कि इन्होंने अपनी कप्तानी में कितने मुकाबले खेले और कितने जीत इन्हें मिली, कितना जीत प्रतिशत इनका रहा है। बहरहाल, आपका इन सभी खिलाड़ियों को लेकर और शोएब अख्तर के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।